हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी कल की सपोर्टिंग परफॉर्म कर सकता है। तो अभी हम पहले देखते हैं यहाँ पे कल क्या लेवल हमने प्लान करते हैं यहाँ पे। तो ये वाला हमारा यहाँ पे सबसे पहले बेस लेवल था, सपोर्ट लेवल था, इस जगह के आसपास होता है। अगर ये लो ब्रेक करता है जब भी, तो उसके बाद नीचे डाउन साइड में काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, तो हमने लेवल टू लेवल प्लान करा था। ये इसी के मिड में ऊपर यहाँ पे हुआ, ऊपर रिजेक्शन लेवल था, यहाँ से इसने वापस से इस जगह से रिवर्सल लिया यहाँ से। ठीक है, जब इसको ब्रेक करके गया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा था 43748 का, वो आया यहाँ पे अप्रोक्स 100 पॉइंट का। फर्स्ट टारगेट रखा था यहाँ पे, उसके बाद सीधा 43633 का टारगेट था, वो भी मिला। उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे 43447 का जो टारगेट था, वहां से उसने रिवर्सल लिया। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि सपोर्ट पे जब भी आए ना मार्केट, यहाँ पे इंडेक्स हो या शेयर हो, तो वहां पे भी क्या मार्केट रिएक्शन दे रहा है उस चीज को हमें देखना है। वहां पे ये नहीं सपोर्ट आते हमें बाइंग करना है या फिर रेजिस्टेंस आते वहां पे हमें सेल करना है, उस जगह पर रिएक्शन क्या दे रहा है वो वाला इंडेक्स या फिर स्टॉक, वो चीज देखना होता है मेन वहां पे। जैसे यहाँ पे आया ये, यहाँ पे रुका, इसने बेस बनाया, फिर थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आया, तो इसका जो लो था इससे ऊपर इसने इस बार लो बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखने वाली होती है यहाँ पे। अब देखो कल क्या है ना, एक्सपायरी है, तो उसके साथ थोड़ा सा वापस मार्केट में थोड़ा सा एक वोलेटाइल हो सकता है इस तरह का मोमेंटम। अब कल के लिए क्या रहेगा हमारा लेवल, कल जैसे ये लेवल हम थोड़ा सा यहाँ पे खींच जाएगा, अगर इसके इस जगह पर आसपास होता है ओपन, तो यहाँ पे एक ना रेंज होगी 43777 से लेकर ये वाली, इस जगह पर मार्केट देखना यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है। अगर इस जगह पर रिजेक्शन लेता है यहाँ पे 43828 के आसपास तक, तो फिर वापस थोड़ा सा डिप लेके वापस ये 43595 तक आ सकता है, और उसके बाद नीचे फिर 43446 का, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 43350-40 तक आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो लेवल रहेगा। उसके बाद है 43179 का नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, 43000 तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इसे साइकोलॉजिकल लेवल, और इसको ब्रेक करता है तो इसके ऊपर निकलता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे 44000 के आसपास के ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे। इस जगह पर देखना है यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है, तो वो चीज का देखेंगे फिर। इसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट हमारे 44150 जो मेन ऑल टाइम हाई का टारगेट है वहाँ पे, तो उस जगह तो मेन है ही सही जब भी आएगा यहाँ पे। और बाकी तो यही है इम्पोर्टेंट, आज ये FII ने देखो क्वांटिटी ना बाइंग की कम कर दी, सिर्फ 149 करोड़ की बाइंग करी है, और DII ने 203 करोड़ की सेलिंग करी है, मतलब एकदम से 4 डिजिट से 3 डिजिट पे आ गई है बाइंग के उसमें। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, एक दो दिन और अभी यहाँ पे क्या रिएक्शन देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।